मित्रों, सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल तक ये तीन परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना? मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये तीन परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2,081 नागरिकों की मृत्यु हुई, प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए, और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए, पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना करकर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा।